हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स चैनल में। तो आपका भाई आपके लिए लेके आ गया है हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में आज जो दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है उस पर ये वीडियो, और बात करेंगे दोनों ही टीमों की टीम न्यूज़ और जानेंगे क्या प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों ही टीमों की और कौन से प्लेयर जो हैं दोनों ही टीम रख सकती है सब्स्टिट्यूट के लिए, और करेंगे मैच की पूरी एनालिसिस इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने भाई को सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे तक ले जाने में हमारी मदद करें। भाइयों, आपको बता दें कि कनाडा वर्सेस नीदरलैंड का यह जो मुकाबला है कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला जाएगा। मैच की डिटेल्स और टाइमिंग आप यहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो टीम न्यूज़ है, आपको बता देते हैं ब्रेंडन पेरिया जो हैं कनाडा के, वो जो हैं स्क्वाड से विड्रॉ कर दिए गए हैं, यानी कि बाहर हो चुके हैं पूरे के पूरे सीरीज से, या फिर कहें तो पूरे के पूरे श्रृंखला से, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। तो आप इन्हें अपनी टीम में बिल्कुल ट्राई ना करें। और वहीं बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के जो हेड टू हेड प्रदर्शन रही है एक दूसरे के खिलाफ क्या रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सिंस 2013 से जो इनके बीच जो चार मुकाबले कुल खेले गए, जिसमें से नीदरलैंड ने चार मुकाबला जीता और कनाडा ने एक भी मुकाबला नहीं जीता। तो भाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हेड टू हेड प्रदर्शन में जो है नीदरलैंड का जो है पलड़ा भारी नज़र आता है। कनाडा को एक तरफा हराया है इन्होंने, और नीदरलैंड चारों के चारों मुकाबले जीते हैं। और वहीं बता देते हैं वर्ल्ड कप में इनका जो प्रदर्शन रहा है, वर्ल्ड कप में भी सेम वैसा प्रदर्शन रहा। आप देख सकते हो दो मुकाबले खेले गए हैं दोनों के बीचों में, तो दोनों के दोनों ही मुकाबले जो नीदरलैंड जीती थी। तो आपको बता देते हैं कि आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर रखने का नीदरलैंड की तरफ से, तो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि नीदरलैंड की जो टीम है ये काफ़ी अच्छी टीम है और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा पिक होने वाले हैं नीदरलैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले में। और बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की जो प्लेइंग 11 रहने वाली इस मुकाबले के लिए, तो टूपर स्कॉट हो सकते हैं यहाँ से, डेविड कार्टर जो गोलकीपर है कनाडा के, और यहाँ से टूपर स्कॉट, और यहाँ से हो गरिका गैब्रियल, चिगान फेरिया और बलराज पेंसार, गार्डन जोत्सन, मार्क पेरसन और मैथ्यू सेमेंटियो और जॉन स्माइथे, वाल्सा जैमई और स्कोफील्ड ओलिवर। तो ये जो है प्लेइंग 11 हो सकती है कनाडा की तरफ से। और भाइयों, अगर आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं जो कनाडा के सब्स्टिट्यूट प्लेयर हो सकते हैं। ये प्लेयर जो हैं रिचर्ड हैं, स्माइथे हैं और बिस्ट हैं, यहां पे क्रिस पैट्रिक हैं, सूकी और परेरा, ब्रेंडन परेरा जो है यहाँ पे, पेरिया जो भी हैं ही, जो मैंने यहाँ पे बता दिया बाहर कर दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने नाम ज़रूर लिख दिया है, तो इनको बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। और सब्स्टिट्यूट ऐसे रखा गया है तो ये आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। और दोस्तों, बात कर लेते हैं नीदरलैंड की तरफ से, अगर बता दें आपको तो मैनक वैन डी वर्डन है यहाँ पे, और प्रेमन बालक जो कि गोलकीपर है इनके, और सैंडर भारत, सैंडर वी डी विजन और रॉबर्ट क्रैम्पमैन, बिली बेकर और जोटी कारोन और जियोन हार्टबेजर और सेवन बैन एल्स और थियरी बिरकनेमैन, मार्कोस पुसीजर। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है नीदरलैंड की तरफ से। अगर मैंने किसी भी प्लेयर का नाम जो है गलत प्रोनाउंस किया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर आप खुद से देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं नीदरलैंड के जो सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं नीदरलैंड। तो ये प्लेइंग 11 दे दी है मैंने दोनों ही टीम की प्लेइंग 11, साथ ही साथ मैंने सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी आपको दे दी है, तो आप इनके अनुसार टीम बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमारी ड्रीम 11 की टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए, आप किस प्रकार टीम बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, बात करेंगे यहाँ पे हेड टू हेड और स्मॉल लीग की, तो आपके पास जो गोलकीपर में ऑप्शन रहने वाला है डेविड कार्टर, आप देख सकते हैं काफ़ी कम लोगों ने मैं यहाँ पर पिक किया इनको, लेकिन मैंने इनको पिक किया है। और अगर आप सेफ जाना चाहते हो डेविड कार्टर को ड्रॉप करके यहाँ से जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कनाडा की तरफ से, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि आप नीदरलैंड के प्लेयर को मैंने यहाँ पे सभी पिक करके रखा है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि कनाडा के जो है बहुत कम ही प्लेयर मैं पिक करूँगा, इसलिए केवल यहाँ पे इनको पिक कर रहा हूँ गोलकीपर में कनाडा के,
गोलकीपर जो कि डेविड कार्टर, और इसके बाद डिफेंडर में मैंने यहाँ से स्क्यूट टूपर को पिक किया है, मैंक वेन ड्रिवेडन को पिक किया है, सैंडर वैरेट को पिक किया है यहाँ से, और यहाँ से मैंने पिक कर लिया सैंडर डिवेजन को। तो ये जो है मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि नीदरलैंड के हिसाब से टीम बनाई जाए, केवल एक जो बेस्ट प्लेयर है कनाडा के डिफेंडर स्कॉट टूपर, इनको ही मैंने अपनी टीम में रखा है। अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से गॉर्डन जोस्टन के साथ जा सकते हैं, कनाडा के ये भी अच्छे प्लेयर हैं। तो कनाडा के यही कुछ प्लेयर हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं, जॉन स्माइथ ये प्लेयर भी अच्छे हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और नीदरलैंड की तरफ से आप जाना चाहें तो ये नीदरलैंड की तरफ से जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास है यहीं पे, मिंक वैन विडवर्डन है यहाँ पे, सैंडर वेट है, और यहाँ पे है सैंडर डी विल्सन। तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शन है नीदरलैंड की तरफ से, और आप कोशिश कीजिए कि जो सारे नीदरलैंड के अच्छे प्लेयर हैं अपनी टीम में रखने का, और कनाडा के कुछ अच्छे प्लेयर आप अपनी टीम में रख सकते हैं। क्रिवेलो है गरिका को मैंने यहाँ पर टीम में पिक किया, वहाँ से बिली वेकर को पिक कर लिया, और कनाडा के सूखी पेंसर को यहाँ से मैंने पिक किया। मिडफील्डर हैं तो यहाँ पे मैंने इनको पिक कर लिया, और ये तो माइनस दिए हैं, हालांकि आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंडन बिस्टी आपको खेलते नज़र आ जाएंगे, कनाडा के प्लेयर हैं, आपके पास क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ट्राई करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मैंने उनको ट्राई नहीं किया है। और बात कर लेते हैं फॉरवर्ड फील्डर की, तो फॉरवर्ड फील्डर में मैंने जेसन हर्टवेजर, इनको तो आप ट्राई करना ही करना, कोई भी लीग हो इनको आप अपने टीम में ज़रूर रखना। जेसन हर्टवेजर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा पिक हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें यहाँ से मैंने वैलेंटिन वेगर को पिक किया और थेरी विक्रमैन को पिक किया। आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, नीदरलैंड के ही तीनों प्लेयर को मैंने पिक किया, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करते हैं ये, और काफ़ी अच्छे प्लेयर, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट आपको स्कोर करा के दे देंगे आप, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों जो फॉरवर्ड फील्डर हैं मैंने नीदरलैंड के रखा। एक अगर आप कनाडा के रखना चाहें तो मार्क पेटरसन को आप यहाँ से ट्राई कर लेना, और नीदरलैंड की तरफ से तो मैंने तीनों अच्छे प्लेयर्स को रखा है, और व्यू ड्यू वॉकड हैं यहाँ पे, आप ट्राई करना हो तो या फिर एस को ट्राई कर लेना, लेकिन कनाडा की तरफ से केवल एक यही है मार्क पेटरसन, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्राई करना चाहो तो कनाडा की तरफ से एक फॉरवर्ड उनको ट्राई कर लेना, बाकी बात कुछ अच्छे ऑप्शन है नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की जो एक नंबर चॉइस होगी हेड टू हेड और स्मॉल लीग में जो हर्टवेजर, ये एक नंबर चॉइस होने वाले हैं कैप्टन के लिए, तो सबसे सेफ ऑप्शन है कैप्टन के लिए, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दे देंगे आपको जॉन हर्टवेजर, तो इनको मैंने कैप्टन बनाया, और वाइस कैप्टन यहाँ से बनाया स्कॉट टूपर को, जो कि कनाडा की तरफ से हैं। अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते हैं, यहां पे मैंने थोड़ा सा रिस्क ज़रूर लिया, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते सेफ जाना चाहते हैं, यहां से नीदरलैंड की तरफ से बना सकते हो इनको, वैलेंटाइन वेग को या फिर थेरी विक्रमैन को, देख लीजिए आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहें। मैंने यहां से स्कूट टूपर को ज़रूर बनाया है, तो देख लेते हैं हमारी टीम प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं ये हमारी टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो आवाज़ अगर ठीक से नहीं आ रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।